अभी तक की, जिसमें एक बड़े राजनेता और केंद्रीय मंत्री की भूमिका बहुत क्लियर रही है। नियुक्ति में लगातार जो भी नियुक्ति हुई है उसमें बिहार के प्रतिभावान जनूनी लोग, छात्र जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे रहे हैं, उन्होंने इन लोगों की बोली पर खड़े नहीं उतर पाए तो उनको नौकरी मिली है। हम तो पहला पूरी इस 5 साल के अंदर जो भी नियुक्ति हुई है उसकी पूरी जांच हम चाहते हैं। बात रही बीपीएससी की, इसके पहले भी बीपीएससी का जब रिजल्ट निकला था, हम कोचिंग है, जो कोचिंग है वह कोचिंग लगभग टॉप किया था, और ये मिशन 50 कोचिंग पूरी दुनिया को पता है, चाहे आप वेबसाइट से पूरा का पूरा दलाल बेमानों का सबका फोटो हटा दीजिए वो अलग बात, अपना वेबसाइट कोचिंग का हटा दीजिए, सबके पास है, सब जानते हैं ये कोचिंग। रंजीत जी एक आईएएस का है जिनको एक केंद्रीय मंत्री का संरक्षण प्राप्त है, सीतामढ़ी के डीएम भी उन्होंने ही बनाया था, और पूरे तरीके से आप उनकी भूमिका को यदि आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि इस बीपीएससी में इंटायर भूमिका, जब समय के पहले जो इन लोगों के हाथ में क्वेश्चन जाना चाहिए और सेटिंग थी पैसों की, जब नहीं हुई तो क्वेश्चन कंट्रोलर को भेज के इसीलिए आउट करवाया गया ताकि यह एग्जाम कैंसिल हो गई। एग्जाम को कैंसिल कराने के लिए इन 3-4 लोगों ने, आप वहां के कंट्रोलर और रंजीत जी के मोबाइल का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, क्या दिक्कत। सीबीआई पूरा भूखंड कागज वो अपने जगह पर, 15 साल पहले इन्होंने जमीन लिखाया, क्या किया, वो सर्वोच्च न्यायालय और कानून काम करेगी, सब पर एफआईआर हुआ, लॉज हुआ। मेरा सीबीआई से ये समझना है कि 15 साल आपको देरी क्यों हो गई और किस समझौता के तहत आप चुप थे, और 15 साल के बाद आपको एफआईआर करने की जरूरत क्यों पड़ी। एफआईआर आपने की, ये जमीन का मामला चाहे लालू जी के नाम से ट्रांसफर हुआ हो, राबड़ी जी, मिश्रा जी या उनकी बेटी या पुतौ या सभी लोगों के नाम से, तो कानून तय करे। लेकिन अभी मेरा मानना है कि जो विशेष राज, विशेष पैकेज और जाति जनगणना, और लालू यादव और नीतीश कुमार जी का, देखिए वैसे भी मैं मानता हूं बीजेपी को नीतीश कुमार पसंद कभी नहीं है, सुशील मोदी जी की पसंद और नीतीश जी सुशील मोदी को पसंद करते हैं, बीजेपी की पसंद नीतीश जी, खासतौर पर नरेंद्र मोदी की पसंद नीतीश जी, और नीतीश जी का पसंद नरेंद्र मोदी अमित शाह जी कभी नहीं, रेल मंत्री के जमाने से लेकर के आज तक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।